एक ओर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज राजनीति की सड़कों पर आक्रोश रैली निकाल रही है। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज ने अपने मांगों को लेकर और आदिवासियों के साथ हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि आरक्षण विवाद, मणिपुर विवाद, पेसा कानून जैसे मुद्दों के साथ वो राजनीति की सड़कों पर भारी संख्या में उतरा है। वहीं सर्व आदिवासी भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाला है। सर्व आदिवासी समाज बताया जा रहा है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने बताया है कि उनकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और आने वाले 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दिया जाएगा। वर्ग के लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो उसे गौरव दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन उससे अगर विपरीत बात की जाए तो आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है आदिवासी समाज के लोग जो हैं एक आक्रोश रैली निकालते हैं और तमाम जितनी अपनी मांगे होती हैं उसे रखते हैं। बात अगर पेशा कानून की होती है, बात अगर जल जंगल जमीन की होती है, सभी चीज़ों को लेकर आज राजधानी रायपुर में एक रैली निकाल कर आप देख सकते हैं इंडोर स्टेडियम में जो है एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम जगहों से जो है आदिवासी वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो सर्व आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष हैं अरविंद नेताम वो भी मंच पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में जो हैं और भी जो आदिवासी समाज के जो पदाधिकारी हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। कुछ देर में जो ये कार्यक्रम है वो शुरू होगा, लेकिन आज आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जो कार्यक्रम होंगे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो नहीं होंगे। जितने जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे उन्होंने ये स्थगित किया है। लेकिन हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे सभी लोगों से। आज सरकार जो है आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन आज सर्व आदिवासी समाज की तरफ से एक रैली निकाला गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, कैसे देखते हैं आप इसे? सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले हमारे मांगे को पूरा करने के उद्देश्य से रैली निकाला गया है जिसमें गरीबों और गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं आदिवासी समाज से, उनका जो हक अधिकार बड़े बड़े जो पूंजीपति संपत्ति वादी लोग लूट रहे हैं और उस जगह को खाली करा के अपने जगह और अपना व्यापार व्यवस्थित कर रहे हैं। बात अगर आज जल जंगल और जमीन की होती है, आदिवासियों की हित की होती है, तो क्या लगता है आपको प्रदेश की जो सरकार है वो कितना काम कर रही है? प्रदेश की वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या छत्तीसगढ़ बनने पहले की बात हो, जब से जितनी भी सरकार इस धरती पे राज किया है, छत्तीसगढ़ के जमीन पे राज किया, छत्तीसगढ़ के संसाधन पे राज किया है, किसी ने भी आदिवासियों मूल निवासियों के हितों के बारे में कुछ नहीं किया। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है, जीरा से कब तक मूल निवासी आदिवासी भाई संतुष्ट रहेंगे, ये सरकार के लिए चेतावनी की बात है। बिल्कुल, देखिए ऊंट के मुंह में जीरा इन्होंने इन सभी चीज़ों के सरकार के जो काम काज हैं उन्हें कहा है। और भी लोग तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर्व आदिवासी समाज ने आज एक रैली निकाली है, आज सरकार गौरव दिवस के रूप में इसे मना रही है, कैसे देखते हैं आप इन सभी चीज़ों को? देखिए देश के हर कोने में जिसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, दबे कुचले लोग चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, यहाँ देख लीजिए जितना अत्याचार हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। आप दूसरे प्रदेशों में देखो तो मणिपुर में क्या हाल हो रहा है, राजस्थान में क्या हाल हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, देश के कोने कोने में हमारी हम आदिवासी भाई नहीं पूरा सर्व समाज छत्तीसगढ़ का बीजेपी और कांग्रेस और आपसे तंग आ चुके हैं। इसलिए उपचुनाव में भी इनको टक्कर दी है और आने वाले चुनाव में भी उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आने वाली सरकार हमारे आदिवासी सरकार दबे कुचले भाइयों की सरकार होगी। यहाँ पर हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज की जो कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्योंकि लगातार देखिए सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि सरकारें कोई भी हो नाखुश जो है पूरे आदिवासी समाज के लोग हैं, इसीलिए जो है आदिवासी समाज के लोगों ने जो है इस बार चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। हम खुद इनसे बातचीत करेंगे, सकते हैं यहाँ पर जो साफ तौर पर लोगों का यही राय है कि हमारे जो हक हैं, जो जल जंगल और जमीन है उसकी जो लड़ाई है, चाहे दूसरे देशों की बात की जाए, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए, तो मणिपुर में भी जो है लगातार जो है वहां पर आदिवासियों के लिए जो ये यहां पर छत्तीसगढ़ में आवाज उठाई जा रही है और आदिवासी समाज का कहना है कि हमें जो है लगातार चाहे वो कोई भी सरकार हो
अनदेखा करती है। तो इसी कारण जो है यह आने वाले दिनों में जो है विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। आज हमने अरविंद नेताम से भी बातचीत की थी, उन्होंने साफ तौर पर यही एक संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में जो आदिवासी सीटें हैं छत्तीसगढ़ के उसमें प्रत्याशी उतारेंगे और जो चुनाव लड़कर एक बार फिर जो है यहाँ पर आदिवासी की सरकार जो है लाना चाहते हैं अरविंद नेताम। और यहाँ पर जितने सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ।